नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ दिव्या राय। बुलेटिन में आज बात होगी छत्तीसगढ़ चुनाव के आखिरी मुकाबले की, महागठबंधन से डरी बीजेपी सरकार की। जानेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में अब ITED की एंट्री भी हो जाएगी बंद, क्या CBI की जंग कल हो जाएगी खत्म, और आखिर में बात पूर्व IAS अफसर की CM शिवराज के खिलाफ हुंकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में गरजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा मोदी फोबिया से ग्रस्त है विपक्ष, हम गरीबी बेरोजगारी और अशिक्षा हटाना चाहते हैं, राहुल गांधी सिर्फ मोदी को हटाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में दिए गए PM मोदी के सीताराम केसरी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा बीजेपी के इकलौते दलित अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के अंतिम संस्कार में आडवाणी के अलावा नहीं पहुँचा कोई बड़ा नेता। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने की पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी से मुलाकात, नायडू ने कहा प्रजातंत्र खतरे में, हमें साथ आकर देश बचाना होगा, 19 जनवरी को होगी विपक्षी दलों की बैठक। वियतनाम यात्रा पर पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, इससे पहले वियतनाम यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर दिखाई अपनी दोस्ती। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 300 अंक चढ़कर सेंसेक्स 35,774 पर बंद, निफ्टी भी 10,750 के ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होना है। अब तक राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है, जिसे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ त्रिकोणी बनाने में जुटी है। पूरे प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग चली, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी आज जारी रहा। पहले चरण में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदान के बाद अब दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 संभागों की 72 सीटों पर मतदान होना है। इसमें बिलासपुर संभाग की 24 और रायपुर संभाग की 20 सीटें भी शामिल हैं, जहां 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1,079 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें नक्सल प्रभावित गरियाबंद और बलरामपुर भी शामिल है। यहां 5,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए झारखंड बॉर्डर पर पुलिस ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग सिस्टम से की जा रही है, इससे रायपुर से दिल्ली तक के अफसर वोटिंग लाइव देख सकेंगे। लाइव प्रसारण 20 नवंबर को सुबह 7 से 5 बजे तक होगा। इसके अलावा आयोग ने CTOPS सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, जिससे रिटर्निंग सेक्टर और पीठासीन अधिकारी पूरे समय संपर्क में रहेंगे। दूसरे चरण में जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें बीजेपी की ओर से कसडोल से विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, रमन सरकार में मंत्री राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से और बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से मैदान में हैं। कांग्रेस से मुख्य उम्मीदवारों में पाटन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, अंबिकापुर से TS सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, सक्ती से चरणदास महंत शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी मारवाही से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 72 सीटों पर कल मतदान होना है, वहां 2013 में सबसे ज्यादा 43 सीटें बीजेपी और 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसीलिए दूसरे राउंड में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर के सहारे बीजेपी के गढ़ ध्वस्त कर अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। इन सब के बीच अजीत जोगी की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी के खेल बिगाड़ कर खुद को किंग मेकर की भूमिका में लाने की है। छत्तीसगढ़ का ताज किसको मिलेगा, ये कल मतदाता तय कर देंगे। छत्तीसगढ़ में कल प्रदेश की जनता दिग्गजों की किस्मत को EVM में कैद कर देगी। अब 11 दिसंबर को देखना होगा कि सूबे में किसकी सरकार बनेगी। वैसे कल जहां छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर खत्म हो जाएगा, तो वहीं राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी शोरगुल तेज होगा, क्योंकि दोनों राज्यों में आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। राजस्थान में सचिन पायलट के मुकाबले बीजेपी ने यूनुस खान को मैदान में उतारा है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का रण कल दूसरे चरण की वोटिंग के साथ थम जाएगा। मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान है। इन सब के बीच आज राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने का अंतिम दिन था, जिसमें धुरंधरों ने अपना पर्चा भर दिया है। इन दोनों राज्यों में 7 दिसंबर को मतदान होना है। सबसे पहले 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा का रुख करें तो यहां कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से, वहीं सचिन पायलट ने मुस्लिम बहुल इलाके टोंक से पर्चा भरा। इसके साथ ही कई और नेताओं ने पर्चे दाखिल किए।
बीजेपी के भी कई दिग्गज जोर शोर से नामांकन दाखिल करते नजर आए। इसमें सबसे खास सीएम वसुंधरा राजे के करीबी और पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान हैं, जिन्हें आज ही बीजेपी ने टिकट दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी अंतिम और पांचवी सूची में यूनुस खान को सचिन पायलट के सामने टोंग से चुनावी रण में उतारा। बीजेपी ने इस दांव से जहां कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की, तो वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों की अनदेखी के आरोपों को भी खारिज किया। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 4 अल्पसंख्यकों पर दांव लगाया था, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही को मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। वैसे राजस्थान के साथ चुनाव तेलंगाना में भी होने हैं, जहां बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की रणनीति कामयाब होती नजर आ रही है। पार्टी यहां महागठबंधन के साथ चुनाव में ताल ठोक रही है, जिसके लिए सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस के भी आज 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। सूबे में 119 सीटों के लिए 1000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को किसकी किस्मत चमकती है। राजस्थान में भले ही बीजेपी ने यूनुस खान पर दांव लगाया हो, लेकिन सूबे में कांग्रेस का पंजा ही मजबूत नजर आ रहा है। ऐसा ही तेलंगाना में भी कांग्रेस महागठबंधन के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती है, जो सत्तारूढ़ टीआरएस और बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। वैसे विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने को तैयार है। अब तो केंद्रीय मंत्री भी मानने लगे हैं कि विरोधी दलों के इस एकजुटता से पार्टी को नुकसान तो जरूर होगा। उत्तर प्रदेश के लोकसभा उपचुनाव में मायावती और अखिलेश यादव की जोड़ी ने बीजेपी को ऐसी शिकस्त दी कि अपने ही गढ़ गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। इतना ही नहीं, कैराना उपचुनाव में भी बुआ और भतीजे ने कमल को मुरझा दिया। 6 महीने के अंदर ही इस जोड़ी ने बीजेपी के कब्जे से 3 लोकसभा सीटें छीन उसे 71 से 69 पर ला दिया। उपचुनाव में तो केवल सपा और बसपा बीजेपी के सामने चुनौती थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन महागठबंधन में तब्दील हो सकता है। इसमें दूसरे दलों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी की बेचैनी और बढ़ने वाली है। इसी हार के डर को देखते हुए अब तो केंद्रीय मंत्री भी मानने लगे हैं कि महागठबंधन से मुश्किल तो जरूर है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महागठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर यूपी में महागठबंधन हुआ तो उनकी पार्टी को 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। ये पहली बार है जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन से होने वाले नुकसान की बात को स्वीकारा है। अब तक तो नेता विपक्ष के साथ को नकारते आ रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है और खतरे की घंटी सुनाई दे रही है, तो नेताओं की जुबान पर हार का डर दिख रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर 3-4 पार्टियां हाथ मिला लेती हैं तो हमारी सीटें कुछ कम हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए बड़ा झटका नहीं है। भले ही राजनाथ सिंह ने पूरी तरह से हार के डर को बाहर न आने दिया हो, लेकिन अब उन्हें भी समझ में आने लगा है कि विपक्षी एकता से उन्हें नुकसान होगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की कवायद जोरों पर है, जिसका डर बीजेपी को सताने लगा है। अब देखना होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी वार का सामना कैसे करती है, लेकिन उससे पहले तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के प्रहार का सामना करना होगा, जो लगातार सरकार पर दखलंदाजी का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, सीबीआई की एंट्री बंद करने के बाद अब नायडू इनकम टैक्स और ईडी की रेड पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर सकती है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के सीबीआई की जांच पर रोक लगाने के बाद खड़ा हुआ सियासी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब नायडू एक और फैसला ले सकते हैं, जिससे आगामी चुनाव से पहले सियासी गलियारों में भूचाल आना तय है। माना जा रहा है कि सीएम नायडू अब इनकम टैक्स और ईडी की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। उनके इस कदम को अगर कोर्ट की हरी झंडी मिलती है तो सीबीआई के साथ इनकम टैक्स और ईडी भी आंध्र प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इन दोनों एजेंसियों को भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इनकम टैक्स और ईडी को रोकने के लिए नायडू ने विपक्षियों का सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बड़े नेता भी कोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल करें, जिससे इन एजेंसियों को रोका जा सके। नायडू ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर सकती है, इसीलिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि हाल ही में नायडू ने सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया था, जिसके बाद से सीबीआई सरकार को बिना कोई सूचना दिए राज्य में आकर कभी भी कोई भी छानबीन या सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकती। वहीं नायडू की राह पर चलते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सीबीआई की नो एंट्री कर दी है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स और ईडी को रोकने के लिए विपक्षी दल उनका समर्थन करते हैं या नहीं।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जब से एनडीए से नाता तोड़ा है तब से उनके तेवर तल्ख हैं। पहले सीबीआई में दखलंदाजी का आरोप, फिर इनकम टैक्स और ईडी के बहाने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके वार पर बीजेपी सरकार क्या पलटवार करती है। वैसे देखना तो ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कल सीबीआई की जंग वाकई खत्म हो जाएगी। दरअसल सीवीसी की रिपोर्ट पर आज निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब उनके जवाब पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कल फैसला सुनाएगी। सीबीआई विवाद में नंबर एक आलोक वर्मा दोषी हैं या फिर नंबर दो राकेश अस्थाना ने रिश्वत लेकर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के दामन पर दाग लगाया है। इस सवाल का जवाब कल पूरे देश को मिल जाएगा। कल देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में सुप्रीम सुनवाई करेगी। दरअसल इस मामले में आज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सीवीसी रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने वकील गोपाल शंकर नारायणन ने सीलबंद लिफाफे में आलोक वर्मा का जवाब सौंपा। हालांकि रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने शाम तक का वक्त मांगा था, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर तो जजों को शाम 7 बजे तक ये जवाब मिलेगा और फिर मंगलवार को सुनवाई कैसे होगी, हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, आपको जल्द जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आलोक वर्मा के वकील ने अपना जवाब दिया। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तभी इस पर फैसला सुनाया जाएगा। अब कोर्ट इस पर कल फैसला सुनाएगा। अब देखना होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। कल का दिन वाकई काफी अहम है। कल साफ हो जाएगा किसने सीबीआई की साख पर बट्टा लगाया। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं पीएम मोदी की चुनावी चाल पर। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सरकार अधूरी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में जुटी है। पीएम मोदी तमाम परियोजनाओं का फीता काट कर अपनी सरकार का काम गिना रहे हैं। आज उन्होंने गुरुग्राम में कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेस वे यानी KMP का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर लोगों को धोखा दिया है। यह आरोप पीएम मोदी हमेशा से ही देश की सबसे पुरानी पार्टी पर लगाते रहे हैं। आज भी गुरुग्राम में कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर पीएम ने कांग्रेस पर तीखे तीर छोड़े। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर 12 साल से काम चल रहा था, ये 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन पहले की सरकार के तौर तरीके ने एक्सप्रेसवे को पूरा नहीं होने दिया। इसका इस्तेमाल कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान होना था, लेकिन पिछली सरकार काम अटकाती रहती थी। जब एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई तो बजट काफी कम था, लेकिन काम लटकने की वजह से दाम बढ़ता गया। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से दोगुनी तेजी से काम कराया जा रहा है, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे के सहारे भले ही खुद की पीठ थपथपा ली, लेकिन आपको बता दें कि इसका काफी काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही पूरा हो गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण की वजह से इसका काम लटक गया, मगर जनता अब इसका लाभ ले सकती है। करीब 50,000 बड़ी गाड़ियों को दिल्ली में घुसने से रोकने में यह सक्षम होगा। दरअसल एक्सप्रेसवे दिल्ली होकर यूपी और राजस्थान जाने वाली गाड़ियों को एक बाईपास रूट देगा। खासकर बड़ी गाड़ियों को ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर पार्किंग की जगह पेट्रोल स्टेशन, पुलिस थाने, एक ट्रामा सेंटर, हेलीपैड, जलपान गृह और मनोरंजन केंद्र होंगे। इस रूट पर 8 छोटे और 6 बड़े पुल होंगे। इसके साथ ही 4 रेलवे ब्रिज, 34 अंडरपास और 64 पैदल यात्री क्रॉसिंग की सुविधा होगी। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद आज पीएम मोदी ने बल्लभगढ़ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर साथ ही श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्व आईएएस अफसर की सीएम शिवराज के खिलाफ हुंकार की। जो प्रशासनिक अधिकारी कभी सरकार चलाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सहयोगी थी, वही अब बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए गांव-गांव में गाकर प्रचार कर रही हैं। जी हां, दलित आईएएस अफसर रही शशि कर्णावत लोक भाषा, लोकगीत और धर्म शास्त्रों को आधार बनाकर शिवराज सरकार को ललकार रही है। दरअसल शशि कर्णावत को सरकार ने उस समय सेवा से हटाया था जब उनका मामला अदालत में विचाराधीन था। उन्होंने उस समय भी आरोप लगाया था कि उन पर बनाया गया केस गलत है और उनका दलित होना ही उन्हें नौकरी से बाहर करने का कारण है। नौकरी से हटने के बाद से ही शशि कर्णावत दलितों के बीच जाकर उन्हें सरकार के अन्याय के बारे में बता रही थी। बाद में उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव बना दिया। शशि कर्णावत को सुनने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वे अपनी बात लोकगीतों के माध्यम से कहती हैं।
ये सभी लोकगीत उनके खुद के लिखे हुए हैं। शशि शिवराज को कंस मामा बताती हैं और कहती हैं कि मामा किसी का साला भी होता है। घर की खुशहाली के लिए साले का दखल ज्यादा दिन तक घर में नहीं होना चाहिए। वे अपने लोक गीतों में समाज के अलग अलग वंचित वर्गों की बात करती नजर आती हैं। बुंदेलखंड में प्रचार के बाद वे कुछ दिन शिवराज सिंह की विधानसभा सीट बुधनी में भी डेरा डालने वाली हैं। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।